तो आज जानेंगे बहुत ही काम आने वाले किचन टिप्स। टिप्स नंबर वन तो ये है बॉयल आलू, और अक्सर हम लोग इसे हाथ से ही मैश करते हैं, जिस वजह से ये हमारे हाथों में भी लग जाती है और बहुत जल्द ख़राब भी होने लगती है। तो यहाँ यूज करेंगे ये ग्लास है जिसकी उल्टी साइड पूरी चिकनी है, इससे हम लोग आलू को मैश करेंगे। तो इसके तीन फायदे हैं, पहली तो ये हमारे हाथ में नहीं लगेगी, और दूसरी ये कि ये अच्छे से पूरा मैश हो जाएगा, और गर्मियों में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग हाथ से जिस चीज़ को टच कर देते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो इस किचन टिप्स को आप लोग ज़रूर आजमाइएगा और आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। चलते हैं टिप्स नंबर टू पे। तो अक्सर हमारे घर की जो डोरमेट है वो आए दिन गंदी हो जाती है, और हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसे मतलब बार बार धोते रहे। तो इसे साफ़ करने के लिए हम लोग एक नए तरीके को आजमाएंगे। ये है कपड़े धोने वाली ब्रश। तो ये पूरी सूखी हुई है और इसकी सहायता से हम पूरे डोरमेट को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लीन करके दिखा रही हूँ आपको, और ये जो आइडिया है ये सच में बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हमें उतनी मेहनत भी नहीं करनी होती है और ये आराम से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से पोर्शन को ही साफ़ किया है, तो आधे कितनी क्लीन दिख रही है, थोड़ी सी जहाँ पे मैंने क्लीन किया है और इधर की गंदी दिख रही है। तो बस इसकी सहायता से हम लोग धीरे धीरे करके क्लीन कर लेंगे। वैसे बार बार हम औरतों को ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम बार बार डोरमेट धोए, लेकिन इसकी सहायता से आप अपने घर को क्लीन रख कर सकते हो और आपकी डोरमेट हमेशा साफ़ सुथरी दिखाई देगी। तो ये किचन टिप्स कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और आजमाइएगा। अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और ये देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने पूरे डोरमेट को क्लीन कर दिया है और जूम करके मैंने दिखा दिया है अच्छे से। ये कलर लगी हुई है तो ये तो नहीं निकलेगी। और चलते हैं अब हम अपने तीसरे किचन टिप्स की ओर। तो अक्सर हम औरतों को जब भी हम लोग रोटियां बनाते हैं, या तो उसमें आलू भर के या फिर सत्तू भर के, तो वो क्या होती है कि भरने के बाद जब हम उसे बेलने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं से फूट जाती है और बाहर निकलने लगती है। तो ये किचन टिप्स आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद लगेगी। तो ये देखिए कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे ताकि ये मतलब ज़रा सी भी बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए मैंने किस तरीके से इसे पकड़ा हुआ है, कैमरे को मैंने अच्छे से यहाँ पे नज़दीक करके दिखा दिया है, और इस तरीके से दबा देना है, बाद में बीच से दबा के और आप इसे बेल सकते हो। और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, चाहे आप सत्तू भरो, आलू भरो या फिर कोई भी चीज़ भर के आप इसे छान सकते हैं या तवे पे बना सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है। तो इस टिप्स को आप लोग ज़रूर आजमाइएगा, और सच में ये बहुत लाजवाब टिप्स है, तो इसे आजमाना बिल्कुल भी ना भूले। चलते हैं टिप्स नंबर फोर पे। अक्सर हमारी ये जो ब्रश होती है ऑयल लगाने वाली, ये हमें रखने की प्रॉब्लम होती है और बार बार धोना भी पड़ता है, और इधर उधर हम रख देते हैं फिर खोजने लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग आजमाएंगे यहाँ पे एक नई टिप्स। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक खाली कंटेनर ले लिया है, और इसकी जो ऊपर की ये जो ढक्कन है ये है प्लास्टिक की, और इसे मैंने कंटेनर को साफ़ कर लिया है। तो अब देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। और यहाँ पे मैंने ये चाकू गर्म कर लिया है और इसमें चीरा लगा देंगे, क्योंकि चाकू गर्म है हमारी और ये है प्लास्टिक का, तो इसमें अच्छे से जो यहाँ पे एक पतली सी छेद हम लोगों ने करनी है, तो यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे छेद कर ले रही हूँ। उसके बाद कैमरे को जूम करके मैं अच्छे से आप लोग को दिखा दूँगी कि किस तरीके की मतलब यहाँ पे जो छेद है वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ये कर लिया है, क्योंकि चाकू बहुत गर्म थी, और यहाँ घी डाल दिया है मैंने इस बोतल में,
और उसके बाद ये जो ब्रश है इसे आराम से आप इसमें डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप इसमें बंद करके रख सकते हो, यूज जब भी आपको यूज करनी होगी तो आप आराम से इसे निकाल सकते हो और बस ब्रश पकड़िए और रोटी पे आप अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद बंद करके आप इसे कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी सेफ रहेगी और बार बार धोने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।